Hello and welcome back to my channel. Today's video is about Mumbai International Airport के arrivals में क्या क्या है. तो if you wanna know the details, please watch this video till the end. मैंने एक चीज़ हमेशा notice की है कि किसी भी airport का departure has more shopping options, food options, lounge. In general, departure बड़ा भी होता है arrival से, तो it is more glamorous obviously. But Mumbai Airport का arrivals भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्लीन है, खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं. एंड एयरपोर्ट अराइवल में एविसर्व नाम का एक लाउंज भी है जहाँ पे यू कैन टेक अ नैप और हैव अ बाथ. यू विल गेट टू नो डिटेल्स अबाउट इट. यू माइट ऑलरेडी नो इंटरनेशनल फ्लाइट के 3 से 4 घंटे पहले ही आपका चेक इन काउंटर खुलता है, और ऐसे में आप फ्लाइट से बहुत पहले एयरपोर्ट पहुँच गए हो एंड यू वॉन्ट टू गेट सम रेस्ट और फ्रेशन अप, तो यू डोंट नीड टू बुक अनदर होटल और पे फॉर एंटायर टैरिफ. इस केस में एयरपोर्ट अराइवल्स में इंटर करके एविसर्व लॉन्च में जा सकते हैं. एंड यहाँ पे दे हैव डिफरेंट फैसिलिटीज़. यू कैन पे अकॉर्डिंग टू वॉट यू वॉन्ट टू डू, देन यू कैन कम आउट, डू योर स्टफ एंड अगेन गो इन साइड फॉर योर फ्लाइट. और अगर आप कोई लंबा फ्लाइट लेके आए हो एंड आपको बाहर जाने से पहले थोड़ा साफ सुथरा दिखना है, तो ऑब्वियसली अराइवल्स में आने के बाद यू कैन एक्सेस दिस लाउंज. When you are coming out, walking towards the exit, this lounge is at left side of the hall. इनके latest rates and updates आप check कर सकते हो उनके website पे, जिसका link मैंने description box में दिया हुआ है. अंदर enter करने के बाद इस type के sleeping pods है यहाँ पे, जिसमें mobile या laptop charger का भी option है. यहाँ पे लोग सो रहे थे तो I didn't want to disturb them, तो मैंने बाहर से ही shooting किया है इसका. और लगेज भी यहाँ पे सेफली रख सकते हैं, बाहर ऐसे बहुत सारे स्टैक किए हुए बैग्स रखे थे. इनके रेस्टरूम्स भी बहुत ही ज़्यादा क्लीन थे. अंदर यहाँ पे उन्होंने सारी बेसिक चीज़ें रखी हुई है, सोप शैम्पू है और दे विल गिव यू फ्रेश टॉवल्स. मेरे मांगने पर उन्होंने मुझे हेयर ड्रायर भी दिया था. इट इज़ कन्वीनियंट क्योंकि फिर आपको बैग नहीं ओपन करना पड़ रहा है, यू कैन जस्ट यूज़ दियर स्टफ़. काफ़ी ज़्यादा क्लीन भी था, उनका स्टाफ फ्रेंडली था. इफ़ यू डिमांड समथिंग दे विल ट्राई टू अरेंज इट. तो कन्वीनियंट भी है, क्लीन भी है एंड स्टाफ फ्रेंडली भी है. तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस. फिर वहाँ से बाहर आने के बाद दे हैव अ फूड सेक्शन जो कि मैंने ट्राई नहीं किया हुआ है. आई विल जस्ट शो यू कि वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस थे. फ्रूट्स थे बहुत सारे, इंडियन करीज थी, वेज नॉन वेज दोनों था. और अगर आपने फूड के लिए पे किया है तो इट इज़ ऑल यू कैन ईट. और वहाँ पे कॉफ़ी और टी के ऑप्शंस भी थे, जूसेस भी थे. और इनका वेटिंग एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं है, ज़्यादा भी छोटा नहीं है. बट लोग ऐसे ही बैठ के चिल मार रहे थे अपने मोबाइल या डिवाइसेस के साथ, क्योंकि बहुत सारे चार्जिंग पोर्ट्स भी है यहाँ पे एंड यू कैन हैव अ डिसेंट टाइम ओवर हियर. मेरे होम टाउन से मुंबई एयरपोर्ट इज़ लाइक 10-12 आवर्स का ड्राइव. तो एयरपोर्ट आते आते मेरा हालत ख़राब हो जाता है एंड आई लाइक टू गो फ्रेश इनसाइड फ्लाइट. तो मैंने ये प्लेस 2-3 बार सिर्फ नहाने के लिए ही बुक किया हुआ है. बट यहाँ का ओवरऑल एटमॉस्फेयर अच्छा है, सर्विसेज अच्छे हैं, उनका स्टाफ फ्रेंडली है और प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, मतलब एयरपोर्ट के हिसाब से ही ऑब्वियसली. बट अगर एयरपोर्ट के आसपास का होटल बुक करने जाओ तो उसके हिसाब से तो ये वाला ऑप्शन ऑब्वियसली काफ़ी बेटर है. अराइवल हॉल की सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो हमेशा यहाँ पे लोग बैठे हुए दिखते हैं. और कोरोना की वजह से उन्होंने आई थिंक थोड़ी बहुत सीटिंग्स हटा दी है यहाँ की, बट फिर भी इट इज़ ह्यूज. नंबर ऑफ़ शॉप्स की बात करें तो खाने के ऑप्शन ज़्यादा है यहाँ पे. स्टेशनरी और फूड चॉकलेट्स वगैरह के शॉप्स अराइवल्स में इतने ज़्यादा नहीं है, आई थिंक एक दो ही है. बट यहाँ पे हमेशा ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं, तो अगर कुछ ड्यूटी फ्री खरीदना है आने के बाद भी तो यहाँ से खरीद सकते हैं. और हर एयरपोर्ट के अराइवल्स में मोस्टली मनी एक्सचेंज और सिम कार्ड वगैरह रहता ही है, तो ये बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पर भी है. ये आई थिंक फूड ट्रक नया है, मैंने पहले कभी नहीं देखा था, रिसेंटली स्टार्ट हुआ होगा, बट क्यूट ही है. फिर मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत प्राइजेस चेक किए क्योंकि मेरा ऑलरेडी प्लान था बाहर जाके खाने का, तो मैंने यहाँ पे कुछ लिया नहीं, बस वीडियो के लिए थोड़ा बहुत शूट किया एंड देन आई वेंट आउट टू ईट. इस वाले बेकरी में बहुत सारे अल्कोहल के ऑप्शंस थे. तो अभी मैं जहाँ पे हूँ दैट इज़ जस्ट द एग्ज़िट लॉबी. आप जब एक्चुअल में फ़्लाइट से आते हो तो अराइवल ड्यूटी फ्री में बहुत सारे अल्कोहल और लीकर के ड्यूटी फ्री शॉप है, जहाँ पे परफ्यूम्स और मेकअप वगैरह की चीज़ें भी मिलती है. तो वो शॉपिंग इज़ मच बिगर दैन दिस वन. कुछ कुछ लोग ऐसे वीडियो बनाते बनाते एक्नॉलेज करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है.
कुछ कुछ लोग चिढ़ भी जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनके प्राइवेसी की बात है तो कुछ बोल नहीं सकते. बट हाँ, यहाँ पे टॉय शॉप भी है. आई थिंक मैंने एक बार यहाँ से एक सॉफ्ट टॉय ख़रीदा था. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली यहाँ पे था या अंदर था. बट बहुत सारे ऑप्शन है, वराइटी ऑफ टॉयज़. तो नहीं, ये कैसा फ्रॉग है. फिर यहाँ पे आगे एक दो और फूड के शॉप्स है जहाँ पे समोसा डोसा वगैरह ऐसी चीज़ें मिलती है. मैंने एक बार आई थिंक यहाँ से चाय ली थी और वड़ा पाव लिया था. वड़ा पाव अच्छा था बट चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं इसके बाद एयरपोर्ट पे कभी चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि मुझे वो बैग वाली चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती. फिर दे हैव टैक्सी बुकिंग सर्विस. यहाँ पे अलग अलग कंपनीज है जैसे ओला, मेरू, प्रीपेड टैक्सी. मैंने यहाँ से एक दो बार कोविड के टाइम पे टैक्सी बुक करी हुई है, तो ट्रस्टेड सर्विस है. और प्राइजेस थोड़े से ज़्यादा है बाहर से, मतलब अगर आप इंडिविजुअली बुक करो तो बेटर है. बट अगर 11th आवर है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस ऑप्शन. तो मेरा अभी यहाँ का सब काम हो गया है एंड देन आई एम गोइंग आउट ऑफ द अराइवल्स. फिर बाहर जाने के बाद भी बहुत सारे फूड ऑप्शंस है. चाय पॉइंट है जैसे वाव मोमोज है, वाव चाइना है और बहुत ही सारे ऑप्शंस थे खाने के. यूजुअली मेरा अराइवल्स में खाना बहुत कम होता है क्योंकि फ्लाइट से आने के बाद कब घर जाऊँ और कब घर का खाना खाऊँ ऐसे रहता है. मुझे यहाँ पे एक और फ्रेंड मिल गया तो वो बहुत ही खुश था क्योंकि मैंने उसके शॉप का वीडियो बनाया और उसने मुझे पूछा भी आप किस चैनल पे डालोगे, मैं देखूँगा, मुझे बताना वगैरह वगैरह. तो बहुत ही हैप्पी पर्सन था. तो मैंने यहाँ से मौसमी जूस ले लिया और देन आई डिसाइडेड कि मैं वाव मोमोज से थोड़ा कुछ खा ही लेती हूँ क्योंकि फ़्लाइट के लिए अभी भी टाइम था. फ़्लाइट में अंदर खाना मिलता है डिपेंडिंग कि आप कहाँ जा रहे हो, किस एयरलाइन से जा रहे हो. बट हमेशा अच्छा है कि थोड़ा बहुत खा के जाओ ताकि फ़्लाइट के टाइमिंग भी चेंज हुए, कुछ हुआ तो आपको इन बिटवीन द प्रोसीजर भूख ना लगे. और अंदर बहुत चलना भी पड़ता है तो इट्स बेटर यू हैव सम एनर्जी. देन अराइवल्स के बाहर के साइड पे स्टारबक्स कॉफ़ी भी है. आई थिंक ये नया ओपन हुआ है या फिर पहले मैंने नोटिस नहीं किया, आई डोंट नो. फिर मैंने खाना लिया, मेरा खाना आया. आई थॉट जाने से पहले एक बार चाइनीज़ खा ही लेते अपने देश का. मुंबई एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि एक ही वीडियो में अराइवल डिपार्चर सब कवर करना बहुत ही मुश्किल है. तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आपको और ऐसे वीडियोज़ इन डिटेल देखने हैं कि एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या है. और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब क्योंकि ये फ्री है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. अभी मेरे फ्लाइट का टाइम हो गया है तो आई जस्ट गॉट माई जूस एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स द डिपार्चर. अगर आप लोग घर पे हैं तो हैव अ नाइस डे. अगर आपकी फ़्लाइट है तो हैव अ सेफ फ्लाइट. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.